अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें। हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमाकर राजधानी गारमेंट जंक्शन। ओडिशा रेल हादसे की जांच सीबीआई अपने हाथ में ले चुकी है। इस हादसे के बाद सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी पटरी पर लौट आई। 50 घंटे से ज्यादा देर तक हादसे वाले ट्रैक को ठीक करने का वक्त लगा और घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 2 जून को हुए इस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बालासोर ट्रेन हादसे में अपनों को खो चुके परिवारों के जख्म कभी नहीं भरेंगे, लेकिन इन सब के बीच एनडीआरएफ के जवानों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। जवानों ने जान की बाजी लगाकर मुसाफिरों की जान बचाई, लेकिन उनमें से कुछ को इस हादसे ने मानसिक रूप से प्रभावित कर दिया है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि ट्रेन दुर्घटना पर बचाव अभियान में तैनात एक कर्मी जब भी पानी देखता है उसे वो खून की तरह लगता है, जबकि दूसरे बचाव कर्मी को अब भूख ही नहीं लगती। बालासोर में हमारी एक आरआरसी है, तो एक टीम वहाँ हमेशा रहती है, तो इतला मिलते ही वो 10 मिनट के अंदर रवाना हुई और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर वो स्थल पे पहुंच गई थी पहली टीम। फिर हमने 8 टीमें और रवाना की, 9 टीमें, ताकि हम वहाँ एक पर्याप्त से अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। रिजर्व हमने कहीं और रखने की बजाय वहीं पैक कर दिया, ताकि वहाँ मैन पावर की इक्विपमेंट की शॉर्टेज ना हो। ऑर्डर है, बड़ी अच्छी फोर्स है उड़ीसा के, जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोग बहुत इकट्ठे हो गए। कई बार हम देखते हैं कि इतने इकट्ठे होने से काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया, खाना खिलाया, जो भी लोग वहां थे ट्रेन में जो बाहर निकले थे, पानी पूरा पिलाते रहते थे। हमारे रेस्क्यूअर्स जो इतनी हीट में काम कर रहे थे, और कोच के अंदर एक ओवन की तरह का होता है, इतनी गर्मी थी, और हमारी पोशाक रक्षण के लिए अच्छी है लेकिन गर्मी में काम करने में तकलीफ ज्यादा होती है, तो अंदर आके हमारे लड़कों को वो पानी पिलाते रहते थे पीरियोडिकली, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। मुझे जानने को मिला है कि 1000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, गांव वालों ने, तो इतना अच्छा उनका रिस्पांस था। तो कम्युनिटी हमेशा वहीं उपस्थित होती है जहां होता है, इसलिए कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुद को बचा पाना, बाजू वाले को बचा पाना, वो पहला एक उनका काम होता है और वो हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो एक अच्छा वहां रिस्पॉन्स अच्छा रहा, बहुत एक दुखद हादसा हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ है काफी बड़ा। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस भीषण हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ के 9 दलों को तैनात किया गया था। राहत और बचाव कार्य खत्म हो चुका है और पटरी की मरम्मत के बाद इस रेल लाइन पर आवाजाही शुरू कर दी गई। कुछ घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि कई पीड़ितों का दावा है कि उनके अपनों का पता नहीं चल पा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 44 पीड़ितों को बचाया गया, जबकि 121 शव एनडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाले। युद्ध स्तर पर चले एनडीआरएफ के रेस्क्यू अभियान के बाद कुछ जवानों के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ा है। यही वजह है एनडीआरएफ कर्मियों के बचाव और राहत अभियान से लौटने के बाद उनके मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और मानसिक स्थिरता पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। रेल हादसा हो या कुछ और, जब भी देश में कोई बड़ी दुर्घटना होती है, एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर कई बार सामने आए हैं और ओडिशा में भी ऐसा ही देखने को मिला। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।